बद्दू जो आप बोले मुख्यमंत्री साहब, आप पूरे 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना, आप फिर से ड्रामा स्टार्ट करें। आप बाई इलेक्शन है बोल के खाली हुजूराबाद में दलिता है। और आप एक बात बोल रहे हैं बहुत जबरदस्त बात, जहां भी बाई इलेक्शन आएंगा मैं वहां पे दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं ना पूरे, अब जितने भी 119 एमएलए है, या तो उनको मौत आना या अपन पूरे मिलकर मार डालेंगे उन लोगों। तो ना तो उनको मौत आती ना तो अपन मार सकते, और आपका ड्रामा चलते रहता। मुख्यमंत्री बनाता हूं दलित को, नहीं तो गला काट लेता बोले आप, फिर उसके बाद में आप 3 एकड़ देते बोले। कई ऐसे वादे करे आप, नौकरियां देता हूं, डबल बेडरूम देता हूं, कुछ भी नहीं दिया आप। इटेला राजेंद्र को हराने के लिए एक नया ड्रामा, चलिए दलितों को दे रहे हैं आप, बहुत खुशी की बात है। पूरे दलितों को भी दियो आप, और फिरोज खान भी नहीं मांग रखने वाला है हफ्ते के दिन। माइनॉरिटी बंधु भी दियो, मुसलमानों को भी दियो। दलिता जितने परेशान है, हमला भी उतने परेशान है। केसीआर साहब, रंगनाथ मिश्रा, सच्चार कमेटी, पूरे रिपोर्ट पढ़े ना यारो। 12% देता हूं, वक्फ बोर्ड की जुडिशरी देता हूं, नौकरियां देता हूं, सब बोले। अब हमारे को भी दियो। तो पहले आप इनको वादा करें ना, पहले हमारी मांग है फिरोज खान की, 119 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हर एक दलित को आप 10 लाख दियो। आप अगर से देंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप नहीं दे सकते। नौकरियों के लिए पैसे नहीं है तो आप कोकापेट में 2000 करोड़ के लिए ऑक्शन डाले जमीन, खाली नौकरियों के पैसे देने। 12 लाख फैमिलीज है बोले तो 1,20,000 करोड़ कहां से लाते आप? खजाने में तो पैसे नहीं है। हाँ, मैं आप एक कल रिकॉर्ड में आके बोलो, केसीआर, केटीआर और कविता, हम तीनों के अकाउंट में है तो बराबर मैं मान लेता हूं। स्टेट गवर्नमेंट तो नंगी हो गई, तुम लगा आबाद है। तो हमारा पैसा जो कमाए उसमें से निकाल के दलितों को दियो। जय हिंद, जय कांग्रेस। लाइट हाउस टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। तो वो वजीर आला केसीआर है, केसीआर तूने बोल कि तू 7 साल में मुसलमानों को क्या दिया? तूने मुसलमानों को ना रोजगार दिया, तूने वक्फ को जुडिशियल पावर दिया, ना 12% तहफूजात दिया, ना रोजगार दिया, ना बजट सही इस्तेमाल हो रहा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट सही इस्तेमाल हो रहा। अरे मक्का मस्जिद के मुलाजिमों को 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और वकी जायदाद लुटते जा रही है, कब्जा होते रही है। और केसीआर तू इसका जिम्मेदार है। आज जो मुसलमानों की कमजोरी की हालत है तू उसका जिम्मेदार है। देख आज शनी भाई, देख 70 साल का शख्स जो बीपी पेशेंट है उसका जज्बा देख, वो निकल के मस्जिद के लिए आया। हम मस्जिद, जब तक हमारी मस्जिद तामीर नहीं होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे। केसीआर हम एहतजाज करेंगे, हम अल्लाह के शेरा है, हम अल्लाह के मुजाहिद है। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिग जैम जैसी कंपनीज का